हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, मैं आज आपको ये सिखाने वाला हूँ कि वाटर कलर पेंटिंग कैसे करें, पेंसिल वाटर कलर पेंटिंग कैसे करें। ये मैं पेंसिल्स हैं जो आज मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये फैबर कास्टल आप देख सकते हैं, ये वाला पैक है। ये फैबर कास्टल 24 शेड्स आते हैं इसमें, वाटर कलर पेंसिल्स हैं। आप इसको वाटर कलर यानी कि ब्रश के साथ भी यूज़ करते हैं। ये वाला ब्रश है जो इसके साथ आया था, इसके पैक में अंदर था, तो ये वाला ब्रश ही हम इसके साथ यूज़ करेंगे। कोई और ब्रश, वाटर कलर स्पेशल वाटर कलर ब्रश यूज़ हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बिगनर्स के लिए होने वाली है कि चीप पेंसिल्स, चीप सब भी कुछ, चीप पेपर, ये पेपर है वो कोई स्पेशल वाटर कलर पेपर नहीं है, जो सिर्फ क्लासमेट का पेपर है, आम पेपर होता है, जो कि एक बुक का आती है जिसमें 100 पेज की होती है, जिसमें बहुत सारे पेपर्स होते हैं, और वही है ये। तो ये वाली वाटर कलर पेंटिंग आज हम यूज़ करने वाले हैं। और ये और क्या चाहिए, और हमें सिर्फ पानी चाहिए। तो ये हमारे पास पानी है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इसको शेड्स को कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले चलिए वो देखते हैं। तो ये रही हमारी पेंसिल गाइस। तो हम आपको ये बताएंगे अभी कलर को मिक्स कैसे करना है। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आराम से मिक्स हो जाते हैं कलर। तो सबसे पहले ये मैं ऑरेंज कलर है, इसको ऐसे आराम से हल्के से पेपर के ऊपर उतारता हूँ। तो मैंने ये ऑरेंज कलर लिया, अब ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर को भी मैं देखिए ये ऐसे मिक्स है। अब हमें क्या करना है, पेंट ब्रश लेना है और ये पानी के ऊपर पानी में भिगोना है, और बहुत ही आराम से। पहले आप थोड़ा सा कोई टिश्यू पेपर ले सकते हैं, मैं इस पेपर के ऊपर कर ये हमारा शेड हो गया है, ये सूख गया है। सूखने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। ये बीच बीच में स्ट्रोक इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये कोई वाटर कलर ब्रश नहीं है, ये आम ब्रश है। तो हमें क्या करना होगा, बार बार इसको ऐसे करके पेंटिंग करनी होगी पानी में डिबो कर आराम से, जिससे ये इसके स्ट्रोक्स ना दिखें। तो ये रहा पहला तरीका। अब आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है गाइस कि आप पहले पानी को पेपर के ऊपर ऐसे कर दें, फिर उसके बाद पेंसिल को पेपर के ऊपर चलाएं। आप देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छा तरीका है, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा जो कलर है वो मिक्स होता है। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा तरीका है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये गाइस ये कलर देखिए, पेपर को थोड़ा सा डैमेज कर रहा है क्योंकि ये आम पेपर है, पर आप इसके ऊपर पेंटिंग कर सकते हैं। कैसे, वाटर को अप्लाई ज़्यादा नहीं कर, थोड़ा अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट स्टेप की और बढ़ते हैं। और नेक्स्ट स्टेप है आपको क्या करना है, ब्रश को इसके ऊपर, पेंसिल के ऊपर ही पानी लगाना है। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, और इससे भी आप पेंटिंग कर सकते हैं, ये देखिए बड़े आराम से। और आपने देख लिया ये तीन तरीके थे, आप इसमें से कोई भी तरीका यूज़ कर पेंटिंग को कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, ये सिर्फ हमारा जो पेपर है वो बहुत चीप पेपर है, इसलिए हमें इसे इसके ऊपर थोड़ा सा ही पानी डालना है। जैसे मैंने ये डाला था, इसमें थोड़ा सा पानी, इसमें थोड़ा ज़्यादा यूज़ हो गया। बहुत लोगों के पास होते हैं, पर हमारे पास चीप पेपर हैं तो हम इससे ही पेंटिंग करेंगे। और ये गाइस ये जो मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ये भी बहुत चीप आती हैं, मार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। ये मार्केट में 200 रुपीज़ के आसपास मिल जाती हैं फैबर कास्टल की। तो चलिए अब हमारी पेंटिंग को शुरू करते हैं।
अगर आपके पास ये वाला ब्रश भी नहीं है तो आप ये वाला, ये एक मेकअप ब्रश है, मेकअप पेंटिंग ब्रश आप जो कह सकते हैं वो भी यूज़ कर, आप कोई भी टाइप का ब्रश यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट ये ब्रश बढ़िया होगा इससे, क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रोक्स आएंगे, पर ये बहुत स्मूथ ब्रश है तो इसके ऊपर नहीं आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने गाइस कलर कर दिए हैं, अब हम इसको वाटर कलर यानी कि ब्रश का यूज़ करेंगे, पानी का यूज़ करेंगे। आपको एक बार नोटिस करने की, आपका जो ब्रश है वो बहुत ही साफ होना चाहिए जैसे कि ये है। तो और पानी, पानी के ऊपर आपने ऐसे करने के समय ऐसे ज़रूर कर लेना है, ज़्यादा पानी नहीं करना चाहिए। और हमारा तो वाटर कलर, ये वाटर कलर पेपर भी नहीं है जो डैमेज हो सकता है, तो हम थोड़ा सा ही पानी यूज़ करेंगे। तो ऐसे पानी हम यूज़ करेंगे और पेंटिंग को बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर ब्रश चला दिया है, या ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाया क्योंकि ये देख सकते हैं जो पेपर है वो डैमेज होने लगा था। ये वाटर कलर पेपर नहीं है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, पर फिर भी अच्छा लग रहा है। तो हम इसके ऊपर और डिटेल करते हैं। तो चलिए, तो गाइस क्या हुआ, अभी हमने पेंटिंग को कंटिन्यू करना था, ये ब्लैक पेंसिल को इसके ऊपर चलाना था, पर क्या है जो पेपर है वो बहुत चीप है, तो अब हम इसके ऊपर अगर ये पेंसिल चलाएंगे तो ये फट सकता है। तो कोई बात नहीं, अब आपको हमने जो थर्ड टेक्निक बताई थी पहले, अब हम उसका यूज़ करेंगे कि बहुत अच्छी टेक्निक है। क्या करेंगे, पेंसिल लेंगे जिसको हमने यूज़ करना है, और ब्रश के ऊपर पानी लगाएंगे थोड़ा सा, और ये इसके ऊपर लगा देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा रंग है वो ब्रश के ऊपर आ जाएगा। तो इसी तरह हम पेंटिंग को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये रही हमारी पेंटिंग गाइस, और यही थी हमारी आज की वीडियो। ज़्यादा अच्छी नहीं बनी है क्योंकि जस्ट टेस्ट कर रहे थे कि चीप पेंसिल की वजह से अच्छी थी, चीप पेपर की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हमारा ये हो गया। पर ठीक है, आप इससे भी बना सकते हैं अगर थोड़ा सा और पेशेंस दिखाएं। तो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया और मैंने ऐसे कलर किया, वो देखिए स्ट्रोक्स दिख रहे हैं, और वाटर भी थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर लिया, और मैंने एंड में देखा वो जो ब्रश के साथ, ये बिल्कुल भी पिन ब्रश नहीं है तो इसके साथ नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, इसको ही पानी में डुबो दिया, तो उससे ही करने लगा। कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।